देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थ्री आपने कहा है, क्वेश्चन नंबर थ्री। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, बहुत बार एग्जाम में आया है, बड़े बड़े एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन नंबर थ्री। केवल लिखने का तरीका इसको अजीब है, बाकी सब कुछ ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था क्वाड्रेंट ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर -2.2। बेटा एक पोजीशन ए ले लो और दूसरी पोजीशन बी ले लो, तो ए बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4। द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, तो ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। बच्चों ध्यान से देखो, तो ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू कितना हो गया 3/7। तो एक काम करो, जानबूझ करके ए पी को ले लो 3 के और ए बी को ले लो 7 के, मतलब ए पी जो है वो 3 के है और ए बी जो है वो 7 के है। तो देखो मतलब ए पी जो है वो करीब 3 के लेंथ का है और ए बी जो है वो कितने का, लेंथ 7 के का है। तो ये बात खुद से आप फील कर सकते हो कि ए पी जब 3 के है तो यदि मैं निकालूं बी पी, तो यहाँ ए से ले करके बी तक पॉइंट है, पी कहीं पर बीच में बैठा होगा सपोज़। तो देखो आप क्या लिख सकते हो कि ए से लेके पी प्लस बी से लेके सॉरी पी से लेके बी, ए पी का सम और पी बी का सम कितना होगा, टोटल ए बी होगा कि नहीं होगा, बोलो यस कि नो। हाँ तो ए पी प्लस पी बी जो होगा वो ए बी होगा, और ए पी कितना दिया हमको 3 के, पी बी हमें पता नहीं है और ए बी कितना है 7 के, तो पी बी इक्वल टू कितना होगा 7 के -3 के इक्वल टू कितना 4 के। तो मतलब ए पी तक का जो रेशियो हुआ वो कितना हुआ बच्चों, ये हुआ 3 के, और यहाँ तक का रेशियो कितना हुआ बच्चों 4 के। तभी तो ऊपर का हिस्सा 3 और पूरा हिस्सा 7, तो 3 में 4 ऐड कर दोगे तो 7 पार्ट तो बन जाएगा। तो हमारे पास समझ में आ गया, हमें ए पी मिल गया, हमें पी बी मिल गया। तो क्या रेशियो चाहिए हमें, हमें रेशियो चाहिए है ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू, वो पहला हिस्सा 3 के है, दूसरा है 4 के, के से के कैंसिल। बोलो बच्चों रेशियो कितना बन गया, 3:4। क्लियर हुआ? अब बस सॉल्व कर दो। चलिए सॉल्व कर दीजिए। पॉइंट क्या है, ए के, ए के कोऑर्डिनेट है -2, -2, तो यहाँ पे -2, -2। बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं यहाँ पे आपको, बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2, -4, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर 2, -4। एंड अब आपको निकालना है यहाँ पर 3:4 में आपको पॉइंट पी निकालना है, ये ए है, ये बी है और ये पॉइंट पी है। सो नाउ पी, पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या, सामने से सिखाया था फॉर्मूला, ये वाला रेशियो इसके साथ भिड़ेगा सेकेंड वाले पॉइंट के साथ, तो 3 × 2 = 6, 4 × -2, तो बीच में प्लस आता है बट -2, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, अपॉन 3 + 4 = 7, तो 6 में से 8 माइनस हुए -2/7, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया -2/7। नाउ वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू m1 y2, तो 3 किसके साथ भिड़ेगा, -4 के साथ, तो 3 − 4 = -12, प्लस 4 किसके साथ, -2 के साथ, सो 4 − 2 = -8/3 + 4 = 7 ही रहेगा, सो -12 and -8 = 20/7। लेट्स चेक द आंसर, -2/7 and -20/7। यस बिल्कुल सही है, चेक कर लीजिए आप लोग, देखिए जूम कर देता हूँ, -2/7 and -20/7। समझ में आ गया बच्चों? ओके, सो आंसर एक्सप्लेन वन मोर टाइम। ओके वन मोर टाइम एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो भाई इसमें क्या है बेटा, आपको ये कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है ए से लेके बी तक और बीच में कोई पॉइंट पी कहीं पे होगा। देखो तुमको क्या दिया गया है अनूप, तुमको दिया गया बेटा ए पी अपॉन ए बी, दिया है कि नहीं दिया बोलो? यस सर। हाँ मतलब ए पी है कितना 3/7, मतलब ए पी है 3 हिस्से का और पूरा का पूरा ए बी कितने हिस्से का है, 7 हिस्से का है। तो अपने आप से दिमाग चल सकता है यार, जब ये 3 हिस्से हैं और जब ये ऑल टोटल 7 पार्ट हैं तो ये कितने पार्ट का होगा, 4 पार्ट का, बट नंबर तो लिखने में मिलते हैं ना, तो हम क्या करते हैं 3/7 को जानबूझ करके लिख सकते हैं 3 के 7 के, मतलब ए पी हो गया 3 के और ये कितना हो गया 7 के टोटल। अब देखो अब आप क्या लिख सकते हो,
आप जानते हो ए बी इज इक्वल्स टू ए पी प्लस पी बी। सो ए बी इक्वल्स टू कितना 7k, ए पी इक्वल्स टू 3k एंड पी बी इक्वल्स टू पता नहीं कितना। सो पी बी इक्वल्स टू 7k माइनस 3k। सो आंसर कितना हुआ जी बच्चे 4k। तो मतलब जो पी बी वाला पार्ट है वो कितने लेंथ का निकला, 4k पार्ट का निकला। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो अब रेशियो निकाल लो किसका किसका, पी ब्रेकिंग पॉइंट है ना, तो ए पी रेशियो ए बी, ए पी रेशियो पी बी सॉरी, तो ए पी है 3k और पी बी है 4k, तो के से k कैंसिल, तो रेशियो कितना आ गया 3:4। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? सर क्लियर। हाँ तो आप 3:4 लगा के कर लोगे फॉर्मूला? यस सर। ओके कर रखा है, आंसर आ रहा है इतना, ये है आंसर। ओके माइनस ये पॉइंट कितना आएगा, ये पॉइंट आएगा -2/7 एंड -20/7। डन बन जाएगा ना? यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए जी देखिए क्वेश्चन नंबर 5। पॉइंट पी क्यू आर एंड एस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 1A, 1, 2 एंड B, 6, 7 इन 5 इक्वल पार्ट। वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। तो एक आपके पास एक पॉइंट है, आपके पास ए पॉइंट है 1, 2 और दूसरा पॉइंट है B, 6, 7 कह रहा है इसको चार पॉइंट हैं, पांच इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। तो पहला हिस्सा ये मान लो, दूसरा हिस्सा ऐसा मान लो, तीसरा हिस्सा ये मान लो, चौथा हिस्सा ये मान लो। ओके तो ये इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसका नाम कुछ दे दो आप, मान लो इसको, मान लो इसका नाम क्या देना है, वो तो दिया है पी है ये क्यू है ये है आर और ये है एस, ये इक्वल इक्वल पार्ट है बच्चों। मान लो इस पार्ट की लेंथ है के, तो इस पार्ट की लेंथ भी कितनी होगी के, इस पार्ट की लेंथ भी कितनी होगी के, इस पार्ट की लेंथ भी कितनी होगी के, और ये लास्ट वाला पार्ट भी कितने लेंथ का होगा के, क्योंकि इक्वल पार्ट है ना। अब ये देखो कि पॉइंट पी किस रेशियो में ब्रेक कर रहा है पूरे सेगमेंट को, पूरे सेगमेंट को, ये जो पॉइंट पी है सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में ब्रेक कर रहा है, देखो ये के है, तो यहाँ तक की सॉरी ये पॉइंट पी है, यहाँ तक की लेंथ कितनी है के है, और यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी 4k, क्योंकि इस तरफ चार हिस्से हैं। तो यदि आप इसका रेशियो बनाओ तो क्या आएगा रेशियो, के रेशियो 4k, के से के कैंसिल, मतलब पहला रेशियो बनेगा पॉइंट पी के लिए 1:4। तो यदि मैं देखूँ इसको तो पॉइंट पी का जो रेशियो ब्रेक होगा वो होगा 1:4। पॉइंट पी के इस तरफ ए है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 1, 2 और बी के हैं 6, 7। चलो तो ए है 1, 2 और बी है 6, 7। अब मुझे निकालना है कोऑर्डिनेट पी के x, y। तो क्या पढ़ा x का फॉर्मूला, m1 x2 है ना, तो 1 × 7, तो 1 × 7 = 7, 4 × 1 = 4, 1 × 7 = 7 प्लस m2 x1, 4 × 1 = 4 अपॉन m1 + m2, 1 + 4 कितना होगा 5। तो x का कोऑर्डिनेट आ गया 11/5। अब y कोऑर्डिनेट निकालो, m1 y2, ओहो गलती हो गई मुझसे, m1 x2 था ना, तो 1 × 6 = 6 होना था ना, चलो ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है, तो कितना आ गया 2 आ गया। चलो अब नेक्स्ट देखिए 1 m1 y2, तो 1 × 7 = पहले m1 x2 था, x वाला हो गया काम, अब m1 y2, तो 1 × 7 = 7 प्लस 4 × 2 = 8 अपॉन 5, 7 + 8 कितना हुआ 8 × 7 = 15 / 5, तो कितना आ गया 3। तो पहला पॉइंट आएगा 2, 3, तो ये जो पहला यहाँ पे पॉइंट आएगा पी पॉइंट ये होगा 2, 3। अब आगे की चीज़ समझो बच्चों, देखो पहला रेशो क्या निकला है, एक हिस्सा इधर चार हिस्से इधर, तो इस पी पॉइंट के लिए जो ब्रेकिंग रेशो आया है वो आया है 1:4। दूसरे के लिए देखो क्या आएगा, दो हिस्से इधर हैं और तीन हिस्से इधर हैं, तो क्यू पॉइंट किस रेशो में तोड़ेगा 2:3। फिर आर पॉइंट के लिए आ जाओ, आर पॉइंट के लिए तीन हिस्से इस तरफ हैं और दो हिस्से इस तरफ हैं, तो रेशियो बनेगा 3:2। लास्ट में एस वाला पॉइंट है, तो एस वाले पॉइंट के लिए देखो 1, 2, 3, 4, 4:4 लेफ्ट में है और 1:4 राइट में है, तो रेशियो बनेगा 4:1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ तो पहला वाला मैं चेक कर लेता हूँ, मेरा आंसर 2,
सही आया कि गलत आया वो देख लो, उसके आगे आप लोग करने की कोशिश करो। बिल्कुल सही आया भाई 2.3, और मेरा पहला रेशियो है 1:4, दूसरा रेशियो 2 लेफ्ट में हिस्से 3 राइट में 2:3, तीसरा 3:2 बनेगा बिकॉज 3 हिस्से लेफ्ट में आ जाएंगे 1, 2, 3, ये पॉइंट आर है और ये 2 पार्ट यहाँ आ जाएंगे 3:2। देन कितना बनेगा लास्ट में, लास्ट वाला जो बनेगा अपना 3:2। अच्छा तीन ही निकालेगा, पी निकाला है, क्यू निकाला है, आर निकाला है, अच्छा तीन ही पॉइंट निकाले, एक और निकालना था, भूल गया निकालना, पी क्यू आर एस था ना, एस वाला, अच्छा तीन बोले ही है, ओके 3 पॉइंट आ रहा, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 पॉइंट ही पूछे गए हैं। यस चलिए कर लीजिए आप लोग, बन जाएगा सबसे, बोलो जी बनेगा नहीं बनेगा। ओके ओके, सो आवर टॉपिक इज कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। बच्चों मैंने इसके पहले आपको ये थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताया था कि यू हैविंग द 3 पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, दीज आर कोलिनियर। तो मैंने क्या बताया था कि ए बी का सेगमेंट और बी सी का सेगमेंट, दो सेगमेंट का सम बड़े वाले सेगमेंट के इक्वल आएगा, ये मैंने कंडीशन बता दी। अब एक और तरीके से मैं इस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ, देखिए बिफोर आपके पास लास्ट क्लास में क्या था, एक ट्रायंगल था, और इस ट्रायंगल के ए पॉइंट क्या हुआ था, एक्स वन वाई वन कोऑर्डिनेट होते थे, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते थे एक्स टू वाई टू, एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुआ करते थे एक्स थ्री वाई थ्री। नाउ वी हैव फॉर्मुलेट दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2, फिर इसके बाद क्या लगाते थे, बॉक्स लगाता था, ट्रिक मैंने बताई थी, यहाँ रखो एक्स वन, यहाँ रखो एक्स टू और यहाँ रखो एक्स थ्री, और इसके बाद गिनती पढ़ दो 1, 2, 3, तो वाई टू माइनस वाई थ्री, टू के बाद 3 आएगा, फिर 1 आएगा, एंड 3 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा। यस ये था ट्रायंगल का एरिया। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर आप इस ए पॉइंट को पकड़ करके नीचे घसीटते जाओ तो ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो आपका जो नया वाला ट्रायंगल बनेगा वो ये बनेगा। तो देख के बताओ जो नया ट्रायंगल है उसका एरिया कम हो गया कि ज़्यादा हो गया, कम हो गया, और नीचे लेकर क्या हो, एरिया और कम हो गया ना, और नीचे लेकर क्या हो, एरिया और कम हो गया। एक समय आएगा आप इसको खींचते 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 इस लाइन पे ले आओगे, और जैसे ही ये इस लाइन पे आ जाएगा दैट टाइम मुझे बताओ क्या कोई एरिया बनेगा कि नहीं बनेगा एरिया, नो सर, नो, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, दैट टाइम व्हाट वुड बी योर एरिया, योर एरिया बिकम्स जीरो। ओके सो एट कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स देर विल बी नो ट्रायंगल, सो दिस मीन्स एरिया इक्वल टू जीरो, दिस मीन्स 1/2 एंड दिस होल बॉक्स बिकम्स जीरो। क्यों, बिकॉज ये एरिया है ना, तो एरिया जीरो हो जाएगा, तो 1/2 का 2 नीचे से ऊपर ले जाओ तो जीरो के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया जीरो, तो केवल क्या बचा, दिस बॉक्स इक्वल टू जीरो। बॉक्स का मतलब, अरे ये सब कुछ लिखना है बॉक्स के अंदर, मेरे पास नहीं था मतलब जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं। ओके तो आप इस बॉक्स के अंदर लिख दो, तो कंडीशन क्या बनी, फाइनली फाइनली कंडीशन बनी एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई टू माइनस वाई थ्री है प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। ये है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, बच्चों नोट करो, दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। तो 1/2 का कोई रोल नहीं है, और अगर आप 1/2 लगा भी लेते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1/2 में जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो तब भी आएगा, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया जीरो होता है। तो बच्चों लिख लो ये कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। तो अगर 3 ट्रायंगल यदि कोलिनियर होंगे तो जो ये वाली बात है ना ऊपर जो दिख रही बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स की वैल्यू जीरो होगी अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। पॉइंट खिसट करके नीचे आ जाएगा, सो द ऑल 3 पॉइंट्स बिकम कोलिनियर, एक ही लाइन में बैठेंगे हम हैं कोलिनियर पॉइंट्स, वी आर कोलिनियर। डन गाइज, अंडरस्टूड? यस सर, अंडरस्टूड। फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया? यस सर। चलो एक क्वेश्चन हो जाए, शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलो शो करो जल्दी से, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, पहला एक्स वन, दूसरा वाई वन, फिर बी वाला एक्स टू वाई टू, तीसरी वाला एक्स थ्री वाई थ्री। नाउ शो दैट दीज पॉइंट आर कोलिनियर।
मेथड नंबर वन से मत करना, मेथड नंबर टू से करना। मेथड नंबर टू, मेथड नंबर टू से कीजिए। हाँ बताइए, देखिए कोलिनियर है कि नहीं है, बताओ बॉक्स जीरो आ रहा कि नहीं आ रहा सर। बोलो सर, मेथड टू कौन सी है? मैं यही वाली जो अभी मैंने पढ़ाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल। मेथड वन तो ए बी बी सी ए सी था ना? यस सर। मेथड टू अभी जो मैंने पढ़ाई कि ये बॉक्स का एरिया जीरो होना चाहिए, ट्राइंगल का एरिया जीरो होना चाहिए, तो देखो ट्राइंगल का एरिया जीरो आ रहा कि नहीं आ रहा। प्लीज टू क्वेश्चन। ए टू कॉमा फाइव, बी फोर कॉमा सिक्स एंड सी एट कॉमा एट। सर डन। ओके सो व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल कंस्टिट्यूटेड बाय दीज थ्री पॉइंट? जीरो। जीरो एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो दिस इज द सोल्यूशन। ओके सो एरिया यहाँ पर देखिए जीरो आ रहा है, ये जो कंडीशन है इसका एरिया जो आ रहा है जीरो आ रहा है। अब आप चाहे वन बाई टू नहीं भी लगाओगे तो ये अंदर वाला पार्ट जीरो है, तो वन बाई टू लगाने के बाद भी जीरो हो जाएगा। दीज मीन्स ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं। ओके okay?